पूरा दिन बाहर रहता हूँ, कैप पहनता हूँ, तो उससे मेरे बालों की जो जड़ें हैं वो कमजोर हो गई है, थोड़ा डैंड्रफ हो गया, देखो बालों की स्थिति बहुत खराब है। उसके लिए मैंने मंगाया है वाओ कंपनी का जो नेचुरल एप्पल सीडर विनेगर से बना है, और ये देगा मेरे बालों को मजबूती और करेगा डैंड्रफ फ्री। जो बना है 100% नेचुरल एंड रॉ हिमालयन एप्पल सीडर विनेगर से, बिल्डअप करेगा, रिस्टोर करेगा, शाइन एंड स्मूथनेस देगा, जेंटल एंड नेचुरल डिटॉक्स फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस्ड ट्रेसेस। तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, फटाफट मैं नहा के आता हूँ इसके साथ शैम्पू करके और अपनी मील तैयार करता हूँ। प्रोडक्ट पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करके उसकी ऑथेंटिसिटी जान सकते हैं और साथ में पॉइंट रिवॉर्ड जीत सकते हैं जो रिडीम होंगे आपके अगले परचेज में। बाल हो गए हैं सुपर सेक्सी जैसे कि आपको दिख रहे होंगे, तो हेयर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उससे आपकी पर्सनैलिटी जैसे आनिक की देखो निखर के आती है, तो हेयर का ध्यान रखिए। अभी हम चल रहे हैं जिम में और मैं आज आपको बताऊंगा इनर चेस्ट के लिए वर्कआउट, सो हमारे साथ चलिए जिम में। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, ये है इंडिया का सबसे छोटा व्लॉगर, अगर आपकी आपको इसकी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए उस पर। और इसका कॉन्फिडेंस देख के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और इसने बहुत प्यारे व्लॉग बनाए हैं और मुझे नहीं पता है ये इतनी अच्छी बनाता है, अगर आप देखेंगे उसको और जाके कमेंट जरूर करना है ना। इंडिया का सबसे छोटा व्लॉगर, सो आओ और सब्सक्राइब करो। तो चलिए हम चलते हैं जिम में और करते हैं वर्कआउट इधर से। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं जिम में और आज आपको बताऊंगा मैं इनर चेस्ट के लिए, मतलब जो कि गहरी लाइन होती है चेस्ट के बीच में, उसकी कुछ बेहतरीन एक्सरसाइज जिससे आप मेरी तरह अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज बताऊंगा केबल पे, क्योंकि मेरे सामने ये आई और मेरी फेवरेट है, तो मैं केबल करके दिखाऊंगा आपको क्रॉस केबल, लेकिन इसको आपको करना है सेंटर में। ये हो गई है बिल्कुल सेंटर में, अब इसके 15 रेपिटेशन, पहले सेट में 15, 12, 12 ये लेंगे। वेट आपको उतना ही रखना है जिससे आप स्क्वीज कर सके और सारा का सारा लोड अपने इनर चेस्ट पे ले सके, तो ये करना है, ये पोजीशन होनी चाहिए आपकी, स्क्वीज रिलैक्स, स्क्वीज रिलैक्स, शोल्डर आपके इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, सारा प्रेशर आपकी चेस्ट पे होना चाहिए, थोड़ा सा जब ऊपर लेके आए तो थोड़ा सा होल्ड दें। तो सेकंड एक्सरसाइज हमें करनी है फ्लाई, डंबल फ्लाई। इसके लिए आपको कोई भी वर्कआउट की मशीन की जरूरत नहीं है, सिंपल एक बेंच डंबल, अभी मैंने लिया है 10 किलो का डंबल क्योंकि मैं अभी हैवी वेट नहीं लगा सकता, और इसमें आपको मसल माइंड कनेक्शन के साथ ध्यान रखना है इंजरी ना हो, तो ये पोजीशन हमेशा डंबल ऐसे रखें और ऐसे करके लेट जाए। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको जब आप नीचे लेके जा रहे हो तो इतना ही नीचे ले जाए जिसमें चेस्ट इन्वॉल्व रहे, उससे नीचे जाते ही आपके शोल्डर हो जाएंगे, तो इतना रखें, ऊपर लाए, चेस्ट से स्क्वीज करें, डंबल से ज्यादा आपका फोकस इनर चेस्ट पे होना चाहिए ये, और एक सेकंड का होल्ड दे। तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज होने वाली है डंबल से क्लोज ग्रिप ऐसे प्रेस, तो एक डंबल लेना है, उतना ही वेट ले जिसमें आपकी बॉडी इधर उधर ना हो, ये पोजीशन, और आपको इसको सामने की तरफ फेंकना है और स्क्वीज करनी है अपनी चेस्ट, ये ठीक है। जब आप देखेंगे इसको करेंगे ट्राई, तो आप जब इसको पुश करके स्क्वीज करेंगे तो आपका सारा लोड, इस वेट का सारा लोड इनर चेस्ट पे, शोल्डर इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, कोनी ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये सिंपल ये चेस्ट पुश
अब करके। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम फिर डंबल से करेंगे, क्लोज ग्रिप डंबल प्रेस। ये बहुत इफेक्टिव है, और जब मेरे को अपर चेस्ट थोड़ा इंप्रूव करना होता तो मैं इंक्लाइन पे करता था, लेकिन अभी हमें करनी है इनर चेस्ट का वर्कआउट। तो इसे प्लेन बेंच पे करेंगे, सिंपल वही डंबल, उतने ही डंबल लो जिसे आप आसानी से लगा सको। सो ये डंबल रखने आपको थोड़ा, मैं हमेशा थोड़ा डंबल को ऐसे करता हूँ, और यहाँ लेके आओ स्क्वीज, नीचे स्लो लेके आना है, ऊपर थोड़ा फास्ट जाना है। एक फॉर्मूला देता हूँ, 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1। तो अगली एक्सरसाइज हम करेंगे इनर चेस्ट के लिए। आपने मशीन देखी होगी फ्लाई पैक टैक फ्लाई, तो ये बहुत इफेक्टिव है। मैं अपने हर एक शेड्यूल में चेस्ट के, या अपर करनी हो या चेस्ट करनी हो, अपर चेस्ट करनी हो, तो मैं हमेशा इसे रखता हूँ। तो आप इनर चेस्ट के लिए ये पोजीशन रखे, इस पर ना कुछ लोगों की मूवमेंट थोड़ी गलत होती है, बस ये टिका दो अपनी चेस्ट अप रखो, और यहाँ लाके थोड़ा सा कोहनी को मैं बैंड रखता हूँ, और यहाँ लाके स्क्वीज करो, तब आपको महसूस होगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये नहीं करना, ये अभी मेरी बॉडी पे हेयर है, मैंने बॉडी ट्रिम नहीं की है क्योंकि ड्यूटी पे बिजी था। अब ट्रांसफॉर्म करूंगा अपने आप को, फुल मोटिवेटेड हूँ, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी शर्मा नहीं रहा हूं। अगली वीडियो में आपको इम्प्रूवमेंट के साथ मिलूंगा। सो ये कंडीशन है, फिर भी चेस्ट अभी पंप हो चुकी है। करते हैं जल्दी ट्रांसफॉर्म। और आपको भी चाहिए एस्थेटिक इंडियंस की टी शर्ट, तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाइए, डीएम कीजिए, बहुत सुपर कपड़े। तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है आनिक धनगढ़ के ब्लॉग, तो वहां पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो वर्कआउट मैंने बताया ना, जब आपको करोगे ना तब आपको महसूस होगा, एक बार ट्राई जरूर करना, और इनर चेस्ट पे फोकस करना। और जो हेयर के लिए मैंने बताया है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिलेगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आनिक गया है थक अभी वर्कआउट करके, और हम जा रहे हैं अभी आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खाएगा ना, आइसक्रीम चिप्स, बस आ जाए, फिर आपको भी ट्रांसफॉर्म करनी है ना बॉडी, तो ये बनाएगा अपने व्लॉग। आप इसके व्लॉग देख सकते हैं आरडी व्लॉग पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।